पर हम सबका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर बंटवारे की राजनीति, तोड़ने की राजनीति हो रही है, इसको दूर करना। तो हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले हैं, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, बस यही आग्रह करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस का साथ दी। तो मैं यही आग्रह करूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए, जैसे हम लोगों ने आपका घोसी में, मऊ में आपका समर्थन किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए लगी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव ने सीतापुर में एक बड़ा बयान दिया जिसके बाद सियासी तापमान काफी गर्म है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के वो बड़े लीडरों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के छोटे लीडर हैं वो बयानबाजी थोड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हमको मिला है, अगर ये पहले बात होती कि विधानसभा स्तर पे अगर इंडिया गठबंधन नहीं है तो हम उसी हिसाब से विचार करते, फोन ना उठाते। उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि छोटे नेताओं को सोच समझ के बयानबाजी देनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, ज़्यादा बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने सीतापुर में एक बड़ा बयान दे दिया, कहा जो यूपी के छोटे नेताओं को सोच समझ के देना चाहिए, नो जैसी करनी वैसे बननी हो जाएगी। मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ और पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, छोटा कार्यकर्ता हूँ, पर हम सबका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर बंटवारे की राजनीति, तोड़ने की राजनीति हो रही है, इसको दूर करना। तो मैं यही आग्रह करूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए, जैसे हम लोगों ने आपका घोसी में, मऊ में आपका समर्थन किया, बड़ा दिल दिखाया। आप भी बड़ा दिल दिखाइए और कांग्रेस का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को हराइए। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि हम फोन नहीं उठाते अगर विधानसभा स्तर का गठबंधन होता, अब जब लोकसभा का चुनाव है। देखिए वो बड़े नेता हैं, अब फोन उठाएं, उन्होंने कहा कि भाई फोन उठाएं ना उठाएं, वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, जमीन पे काम करने वाले हैं। हमारा फोन तो 24 घंटा उठता है, 24 घंटा खुला रहता है और हम जमीन पे के कार्यकर्ताओं के साथ, आप देख रहे हैं घंटों से हम लोग यहाँ बिना चाय पानी पिए कुछ खाए घंटों से कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले हैं, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, बस यही आग्रह करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस का साथ। तो लोकसभा को लेकर जैसे उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव आएगा तो सीट बंटवारों पे हमारा चलेगा, तो हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा और विचार करेंगे। अब वो 3 दिसंबर का इंतजार करें, उसके बाद सब चीज़ें। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पर मानना था कि 3 दिसंबर की वो तारीख का इंतजार करें और जिस तरीके से हम लोग एक आम साधारण आदमी की तरह काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम भी कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयु सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।